नरेंद्र मोदी तमिलों का दिल जीत रहे हैं और एक बार फिर पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे। पिछले दो महीने में ये उनका सातवां दौरा था। दरअसल तमिलनाडु के बहाने बीजेपी की नजर साउथ की उन 129 सीटों पर है जो बीजेपी के 400 पार के संकल्प को सिद्ध कर सकती है। एक खास रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। एनडीए का मिशन साउथ, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। भाजपा का लक्ष्य देश के दक्षिणी राज्यों में वोट शेयर बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना है। इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहे। पिछले दो महीने में यह उनका सातवां दौरा था। तूफानी प्रचार प्रसार अभियान पर निकले पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसका जोरदार स्वागत हुआ। सड़कों के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगा रही थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेल्लोर में भी जमकर विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट है। संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को बढ़ावा दिया। करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीज का लॉस किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा तेवो मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कच्चा तेवो को श्रीलंका को सौंप कर दोनों पार्टियों ने देश के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तेवो आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का विशेष ध्यान है और यहाँ पर पार्टी खूब मेहनत कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ बीजेपी का वोट शेयर 10% तक जा सकता है। तेलंगाना में बीजेपी पहले या दूसरे नंबर पर रह सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर दोहरे अंक तक पहुँच सकता है। बीजेपी के पास तमिलनाडु में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। नए पार्टी प्रेसिडेंट अन्नामलाई युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। बीजेपी का वोट परसेंट 3 से बढ़कर 15 होने के आसार है। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 सालों में अन्नामलाई ने जो असर पैदा किया है, उसकी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है और यही वजह है कि बीजेपी को उनसे काफी उम्मीदें हैं। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 सालों में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है के अन्नामलाई। इस बात में कोई शक नहीं कि आज अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की सियासत में खूब चर्चा बटोरी है, वह शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। एक ऐसे सूबे में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे, जनता के बीच उनकी बैठ ने निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ डीएमके और हाल तक बीजेपी के साथ रहे एआईएडीएमके के नेताओं के माथे पर थोड़ा बहुत बल ला दिया होगा। सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई का करिश्मा काम कर सकता है और बीजेपी यहां से दोहरे अंकों में सीटें जीतने का ख्वाब देख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले कुछ सालों में बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगेगी।
अन्नामलाई ने जो मेहनत की है उसका नतीजा किस हद तक निकलता है ये आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहां 39 सीटों पर एक साथ एक ही दिन वोटिंग होगी। दक्षिण का द्वार यानी कर्नाटक कई बार फतह कर चुकी भाजपा अब ब्रांड मोदी के दम पर दक्षिण भारत को जीतने की जुगत में है। इसे साकार करने का बीड़ा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। वह लगातार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नजर यहां 5 राज्यों में पड़ने वाली 129 सीटों पर है, लेकिन उनका मुख्य फोकस तमिलनाडु है। यहां की 39 में से 23 सीटों पर इस बार भाजपा चुनावी मैदान में है। सहयोगी दल पीएमके 10 सीटों और तमिल मंडला कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।